अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हेयर आई एम इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि हेयर डाई जो है वो मैंने करवा लिया था। उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं जो है वो शॉपिंग वगैरह में इतनी बिजी थी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरा जो डाई है वो कैसा लग रहा है। वन शेड डाई मैंने करवाया, इसकी भी स्टोरी सुनाऊंगी क्या हुआ था। मुझे जो है वो करवाना कुछ और था तो मुझे जो है वो करवाना ये पड़ गया है। आई एम लविंग इट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुबह जो है वो है मेहंदी, आज जो है वो सैटरडे है, संडे को मेहंदी है। तो सारे कपड़े जो हैं वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो देखे पीछे मैंने जो सुबह पहनने हैं, नबा ने जो सुबह पहनने हैं, नबा के शूज़, नबा की सब चीज़ें, नबा की, जजा की, मेरी, जिशान की, हर चीज़, एवरीथिंग इज सेटल्ड। अभी जो है मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, शादी के सारे कपड़े जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए, आप लोगों ने देख ली होगी। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी थी। अगर नहीं देखी तो मैं लिंक जो है वो नीचे लगा दूंगी, ज़रूर देखिएगा। तो अभी जो है वो मैं थोड़े बहुत काम करने हैं, जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं बच्चों के, सबसे पहले तो नेल काटने हैं। अभी बच्चों को दोनों को शॉवर देना है, शॉवर देके उनको आराम से सुला दूंगी ताकि जो है वो सुबह अच्छे से नीट एंड क्लीन हो। सुबह फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, सुबह नाश्ता करके और थोड़ी बहुत चीज़ें देख के तो मैं जो है वो चली जाऊँगी सलोन नबा को लेके। वो सारा कुछ सुबह आप देखेंगे। मैंने कहा ज़रा थोड़ा बहुत इंट्रो शूट दे दूँ। तो हर चीज़ मैंने सेटल कर ली है, वीडियो मेरी शूट होगी। अब मैं थोड़ा आराम करूँगी, साथ में अपनी थोड़ी एडिटिंग करूँगी और दैट्स इट। तो लेट्स स्टे ट्यून जो है वो मेहंदी के ब्लॉग तक, कि जो वीडियो है ये मेहंदी के वीडियो तक जाएगी नेक्स्ट। तो मेरा हाथ जो है वो थक गया और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ शूट कर करके। अस्सलामुअलैकुम जी, तो हो गई है सुबह। अभी जो है वो मैंने लेंजेस पहन ली हैं, बाल वॉश कर लिए हैं, नबा को भी मैंने नहला दिया, नबा भी मेरे साथ सलोन जा रही है। अपना जो बैग है, जो मेरे इसमें मॉइस्चराइजर और स्किन प्रेप करने की जो सारी चीज़ें, मेरे सांस से आपको पता चल रहा होगा मैं कितनी जल्दी में हूँ। और मॉइस्चराइज वगैरह एक दफ़ा मैंने कर लिया, एक दफ़ा वहाँ पे जाके करूँगी। नाश्ता भी कर लिया है, टाइम ही नहीं मिला कुछ शूट करने का क्योंकि रात सारी जो है वो ज़्यादा सोई नहीं है, ठीक है। और मैं सुबह सोई हूँ 10 बजे उसे मम्मा को दे के, तो फिर मैं उठी हूँ 1 बजे। तो अभी जो है वो मैंने उसके कपड़े सारे ये निकाल के रख दिए, मामा उसे शॉवर दे देंगी, नबा को मैंने दे दिया था। अभी मैं निकल रही हूँ सलोन के लिए। टाइम क्या हो रहा है, 3:15 हो रहे हैं और 3:30-4:00 तक हम जो है वो सलोन पहुंच जाएंगे। उधर चल के आपसे मिलती हूँ, बाय। अच्छा, हम जो देसीज होते हैं ना, कहीं पे भी चले जाएं सबसे पहले जाके हमें होता है रोटी की खानी है। तो यहाँ पे भी हमारा यही सिस्टम था। तो सलोन जाने से भी पहले हमें कुछ खाना था। नबा कह रही मुझे भूख लग रही है, तो मैं कह चलो नबा के लिए कुछ ले रहे हैं तो मैं भी अपने लिए कुछ ले लेती हूँ। मैंने सैंडविच ले लिया था, नबा ने पता नहीं क्या लिया था, डोनट लिया था और लेस जूस लिया था। फिर हम सलोन चले गए जी तैयार होने। अस्सलामुअलैकुम जी, तो मैं हो गई हूँ तैयार एंड दिस इज़ माई ओवरऑल लुक। ये जो है ये मैंने बनवाए हैं बाल और दिस इज़ द ड्रेस विच आई एम वेयरिंग। अभी जो है वो मैं सलोन से आई हूँ एक आधा घंटा पहले और मुझे जो है मैंने आके जजा को रेडी किया है, नबा को रेडी किया है। नबा मेरे साथ गई थी, वहाँ पे अलाउ नहीं था शूट करना, इसलिए मैं नहीं कर सकी। और अभी जो है वो पिक्चर वीडियोज़ वगैरह कुछ लेंगे, तो जजा को भी दिखाती हूँ, नबा को भी दिखाती हूँ हाउ दे आर लुकिंग। अच्छा, तो जजा को यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया था, बहुत ही प्यारी कुर्ती लग रही थी माशाल्लाह। और नबा के बाल मैंने सेम अपने जैसे बनाए थे और ये इसके शूज़ और इसका कोट, और माशाल्लाह नबा भी बहुत प्रीटी लग रही थी। और यहाँ पे जो है वो हम लोग चले गए थे फंक्शन पे, ज़्यादा शूट नहीं कर सके क्योंकि उस टाइम पर पहले इतनी हबड़ दबड़ हुई हुई होती है। अच्छा, तो फंक्शन पे जाने के बाद हमने खाना वाना भी खा लिया, रस्म भी हो गई और यहाँ पर कवाली स्टार्ट हो गई थी। और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कवाली इन्जॉय करें।
हालत तो देखो ना बाप, ये अपने ओ वाओ इट्स योर आईफोन। यस आई वांट शो योर ज्वेलरी। या वेयर इज योर ज्वेलरी एंड सिल्वर एंड सिल्वर। शो योर रिंग्स एंड वंस। वाओ अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी जो है वो हम लोग इवेंट से आ गए हैं वापस, और आज जो है वो मैंने रेड हाइलाइनर लगाया था, मैं कहा आज जरा थोड़ा डिफरेंट लुक करते हैं। और वहां पे भी जो है वो मेरे पिक्चर्स बनाने का जो है वो हमें मौका नहीं मिला, तो अभी जो है मैं शान का वेट कर रही हूँ, आएंगे तो फिर हम पिक्चर्स वगैरह लेंगे। और ड्रेस मेरा जो है वो बिल्कुल सिंपल सा था, और साथ में मैंने शॉल वेयर की। आई एम लविंग माई हेयर स्टाइल टूडे। और आंखें जो है वो मेरी फटने वाली हुई हुई है, और इतने देर से जो है वो लेंसेज लगे हुए, मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से पिक्चर्स लेके, तो फिर कभी मैस दिखाऊँ ना जो पीछे हुआ हुआ है, आप लोग हैरान हो जाओ, ये भी सारा मैंने ही समेटना है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग मेहंदी से अगले दिन, और कोई रात को मेरा बुरा हाल हुआ है, पाँव मेरे जो हैं वो सारी रात टूटते रहे, इतनी शदीद दर्द जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आई। और अभी जो है वो बज रहे हैं 4:30, क्योंकि मैं उठ गई थी, मेरे ख्याल में मैं 1:30 के 1 उठी हूँ। जिशान जो है वो चले गए थे बाहर, आज लंच उन्होंने बाहर करना था अपने कोलीग्स के साथ, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं जो है वो बाहर हूँ। मैं सो रही थी जब मैं उठी, तो मैंने कॉल की जिशान, कहते कि मैं जो है वो लंच करने लगा, आप भी कर लो। तो जब जिशान घर पर नहीं होते मेरा लंच इतनी लेट होता है, क्योंकि मेरा अकेले के लिए बनाने का दिल नहीं चाहता। अभी जो है वो मैं नाश्ता सामने रख के बैठी हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या खाने वाली हूँ, और मेरा ये मी टाइम होता है आज। मैं सुकून से अपना जो है वो सुई देखे तो कहे कि भाई 4 इसका नाश्ता हो रहा है। तो नबा जो है यहाँ पे मेरे पास बैठी है, नबा और मैं नाश्ता करेंगे, जजा सो रही है, हम टीवी पे कुछ लगाएंगे, साथ साथ देखेंगे, साथ साथ नाश्ता करेंगे। आज जो है वो गैप था, कल मेहंदी थी, आज का दिन जो है वो फ्री है, मैंने कोई चीज़ सेट नहीं की। रात को सिर्फ आके मैं जो है वो बच्चों को चेंज करवा के, खुद चेंज करवा के मैं लेट गई थी। अभी जो है वो आज मैं करूँगी सारा कुछ क्लीन, और कल की तैयारी करेंगे, क्योंकि कल जो है वो वैसे बारात है, जल्दी तैयार होना है। अभी नाश्ता करके तो फिर वो सारा कुछ करती हूँ, अभी थोड़ा अपना मी टाइम इंजॉय करती हूँ। सर में दर्द शुरू होगी भूख से। अच्छा नाश्ता मैंने कर भी लिया, और मुझे दिखाना याद ही नहीं रहा, आज मैंने फुल देसी सा नाश्ता किया है, साथ साथ में मैंने देखा टीवी। और आपको ज़रा मैं अपने रूम में मेस दिखाऊँ, ये देखें, रात को नबा ने चाय रस खाए, वो भी वहीं पे पड़े, सारा मेरा मेकअप, वो मेरा बैग, नबा के टॉयज़, कंफर्टर, जजा का बेसिनेट, सारा उसी तरह। और जो सारे कपड़े हमने रात को पहने थे वो देखें, सारे बॉक्सेस, सारी चीज़ें, सब कुछ वहाँ पे मैंने रखा हुआ। और अभी दूसरे रूम में मैं आपको दिखाऊँ ना जो मैस हुआ हुआ है, इतना गंद मचा हुआ है, और मेरे अभी सर में दर्द होने शुरू हो गई नाश्ता लेट करने की वजह से। अभी मगरिब की अज़ान हुई है, तो और सर में दर्द हो रही है, और इतने सारे काम है होने वाले, दिल नहीं चाह रहा करने का। और आज जो है वो हमारी हेल्पर भी नहीं आई है, मेरी हेल्पर भी नहीं आई, जो साथ में जो है वो मेरे साथ जो है वो हेल्प वगैरह करवाती हैं, और जो मेड है सफाई वाली वो भी नहीं आई। तो अभी जो है वो मैं कुछ करती हूँ, फ़ोन करके सबको पता करती हूँ कि ये क्यों नहीं आई है। और नबा जो है वो अपने टॉयज़ के साथ खेलने लगी है, उठते हैं यार, कुछ खाना भी मैं सोच रही हूँ बना लूँ, क्योंकि रात को भी खाना है कुछ, और उसके बाद जो है वो फिर जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। यस ओह वाह थैंक यू। बुबू ने कहा मम्मा मेरी वीडियो फिर से बनाए, ज़रा मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, कैन आई ओपन दिस? ओके 1 2 3 यू गिव मी सो प्रीटी कलर्स। बेटा मामा इन कलर्स का क्या करेंगी? अच्छा चैलेंज खेलते हैं, और ये देखें जरा सारे जो कपड़े हैं, चीज़ों के टैग सारे, अभी रात को मैंने आधे उठा के रख दिए थे, सारे वो नीचे गिरे हुए हैं, और मतलब इतना गंद मचाती हो, इतना आप मामा के साथ बिल्कुल हेल्प नहीं करवाती यार। अच्छा आपने मुझे अपना नेल पेंट ही नहीं दिखाया बेटा, ना रात को मैंने आपका हेयर स्टाइल दिखाया, मैंने कुछ नहीं दिखाया। मेरे बेटे ने रात को नेल पेंट भी लगाया था जो कि उतर गया है। अब कल बूबू को मैं पिंक नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि आपकी फ्रॉक जो है वो पिंक है। ओके ओके डन ओके ओके अब बाय कर दो, अब हम ये व्लॉग जो है वो खत्म करेंगे, अब कल का व्लॉग जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। बोलो स्टे ट्यून्ड, बोलो ओके बाय स्टे ट्यून्ड, पहले बोलो ओके बाय स्टे ट्यून्ड। अच्छा आप बाय नहीं करोगी, पहले बोलो ओके बाय स्टे ट्यून्ड।